अच्छा सबसे पहले तो मैं तमाम लोगों को जो है मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं अपने से ठीक है, तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। अच्छा आप ये आप लोगों ने जो सर्टिफिकेट कलेक्ट कर लिया है ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और आपने जो है वो 6 महीने किसी ने लगाया, किसी ने 3 महीने लगाया। अब देखें जो भी चीज़ आप कर रहे हैं या जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसमें जो है ना वो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी देन यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग। अब अगर आप इसकी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, इसको छोड़ देते हैं, देन जो फिर आप बैकवर्ड की तरफ पीछे की तरफ होना चाहिए। अब आप लोगों ने जो है ये 6 महीने लगा लिए हैं, तो मेरी एडवाइस ये है कि अब अभी इसको बोलते हैं, अगर 6 महीने तक आप इसको नहीं इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो दोबारा आप वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से जो है आपने शुरू किया। मेरी बात है तो इस पे जो है काम करें ठीक है। एक दिन निकाल लें हफ्ते में, सब गैदर हो जाएं और इंग्लिश को बोलें, और ये नहीं सोचें कि लोग हंसेंगे या लोग जो है क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे। अगर देखें जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग स्टार्ट की ना दीन की, तो उस वक्त भी लोग हंसते थे। और आप सोचें अगर नबी उस वक्त रुक जाते, अगर नबी जो है वो उस वक्त रुक जाते तबलीग करना छोड़ देते लोगों की वजह से, तो आज हमारा क्या होता? आज हम दुनिया में ये बात दंगे की चोट में कह सकते हैं कि हम मुसलमान हैं और हम जन्नत में जाएंगे। हम जैसे भी हैं जो भी हैं, लेकिन फिर आखिर जो है हमें जन्नत में जाना है, और ये अल्लाह ताला ने हम जो है वादा किया है। तो आप सोचें कि नबी अगर रुक जाते हैं इस बात से कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर जो है ना वो कुछ नहीं हो सकता। और आप जितने भी आप पढ़े लोगों को, जितनी भी ग्रेट पर्सनैलिटी है, आप मुझे जितने भी आप जो है ना आप देख लें, बिल गेट्स हो गया या स्टीव जॉब्स हो गया ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑनर, या आइंस्टाइन हो गया, तो सभी लोगों ने हंसा है। तो आप अगर इस चीज को देखेंगे, इस चीज को सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे, हंसते हैं खुद कुछ नहीं करते, तो यही एडवाइस है कि इस पर मेहनत करें। और जो आप कर रहे हैं अपना विजन अच्छा रखें, जब आप कुछ सोचेंगे तभी जो है आप उस चीज को अचीव कर सकते हैं। आज हमारी सोच क्या होती है कि बस जो है 5 लाख रुपए सैलरी हो, एक गाड़ी हो, एक बीवी हो, 2 बच्चे हो। तो जब आप ऊंचा सोचेंगे, जब आपकी सोच ऊपर होगी ना, तभी आप जो है सक्सेस को अचीव कर सकेंगे। अब देखें इमरान खान ने सोचा 22 साल पहले के उसको जो है प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो वो उन्होंने अचीव कर दिया वो चीज़। अब देखिए पॉलिटिकल ओपिनियन जो है वो आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वैसे उनकी सोच की उनकी विजन के बारे में, जब आपकी विजन अच्छी होगी तो फिर जो है वो आप सक्सेस को अचीव करना जो है ना वो बहुत ईजी हो जाता है। तो पहले जब आप बड़ा सोचेंगे तब वो अचीव कर पाएंगे। जब तक आप उस चीज़ को सोचेंगे नहीं ना कि मैं मिलियनेयर बन जाऊँ, मैं जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनूँ, मैं जो है अगर आप सिंगर सिंगिंग करने जा रहे हैं तो मैं जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिंगर बनूँ, अगर आप एजुकेशन की तरफ है तो मैं सबसे बड़ा एजुकेशनिस्ट बनूँ, आप अगर कोई कारोबार कर रहे हैं तो मैं सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर बनूँ। तो जब तक आप नहीं सोचेंगे तब तक आप कर नहीं सकते। तो किसी भी चीज़ को करने की सबसे पहला जो है वो कदम यही है कि आप सोचें और फिर उसकी प्लानिंग करें, उस पर उसमें मेहनत करने की कोशिश करें, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अल्लाह पे बिलीव करें कि ये काम होगा। जब तक आपका बिलीव नहीं होगा ना अल्लाह पे कि ये काम होगा, तब तक आप नहीं कर सकते। एक वाक्य मैं सुना के जो ना खत्म करूँगा। गज़वे खंदक के मौके पर जो है ना खंदक खोदी जा रही थी, खंदक जो है खोदी जा रही थी, और उस वक्त गिनती के चंद लोग जो है वो मुसलमान थे, गिनती के चंद। तो जब खंदक खोले तो चिंगारी खंदक में से निकली, तो नबी करीम सब कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे जो है वो पारस अदा कर दिया। रोम और पारस उसकी दो सुपर पावर, जैसे आप आज कह सकते हैं कि चाइना और अमेरिका। तो मतलब एक ऐसा शख्स, मतलब इतनी छोटी सी जमात, वो कह रहे हैं कि अल्लाह ने मुझे जो पारस और रोम अदा कर दिया। तो क्या था विजन? एक तो विजन और अल्लाह पे बिलीव कि ये काम होगा। जब आप सिंसियरिटी के साथ, मेहनत के साथ काम को, किसी काम को करने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह उसमें बरकत डालेगा, ये आपका बिलीव होना चाहिए। और फिर ना एक लेयर, जब बात नबी ने बात कही है उसके 8 साल के बाद अल्लाह ने मुसलमानों को रोम भी दिया और पारस भी दिया, सिर्फ 8 साल के अर्से में। तो जब तक आप नहीं सोचेंगे बड़ा, तब तक जो है वो बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।